سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله अभी हम सुलेमान फारसी के बाग के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये सुलेमान फारसी का बाग कैसे कहलाया? ये एक यहूदी का बाग था जिसके आप ग़ुलाम थे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनसे पूछे कि वो क्या कीमत लेते हैं आपको आज़ाद करने की। तो यहूदी है, उसने कहा कि मुझे 500 खजूरों के ऐसे दरख्त चाहिए जिनके ऊपर फल लगाओ और हर साल वो फल देते हो। तो जब सुलेमान फारसी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा गुठलियाँ लेके आओ, और गुठलियाँ लेके वो इस बाग में आए और यहाँ पे उन्होंने ये गुठलियाँ ज़मीन में बोते गए। और सुबह क्या हुआ कि वहाँ पे एक आला शान बाग था, 500 खजूरों का भरा हुआ बाग यहाँ पे मौजूद था। तो जब ये मौजज़ा उस यहूदी को पता चला तो वो हैरान रह गया और उसने सुलेमान फारसी को वो बतौर तोहफ़ा दे दिया और ईमान ले आया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बैत करके मुसलमान हो गया। तो अभी ये वो बाग है जहाँ पे अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं। और सुलेमान फारसी कौन थे, ये एक बहुत लंबी दास्तान है। मजूसी मज़हब से उसकी फैमिली तल्लक रखती थी, उसने ईसाइत कबूल की जिसकी वजह से उसके जो वालिद थे उन्होंने उसको सख्त वहाँ पे जुल्म किया और उसे घर से निकाल दिया कि तुमने ये अमल क्यों किया है। तो उसके बाद सुलेमान फारसी जो है वहाँ से आगे दूसरे इलाकों में गए, वहाँ पे बड़े बड़े पादरी लोगों से मिले और उनसे रहनुमाई दीन की हासिल की, क्योंकि तब तो कोई इस्लाम था नहीं ना, सारे मज़हब जो है चीदा चीदा हो चुके थे और जो ईसाइत है वो भी वैसी नहीं रह गई थी, उसमें भी कई सारी तब्दीलियाँ आ चुकी थी। फिर एक कलीसा के बहुत बड़े पादरी से मिले और उनके ताबे दीन हक का इलम हासिल करना शुरू किया। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पादरी जब मरने लगा तो आप उस पे बैठ के रोने लगे और कहने लगे कि मैं तो हक की तलाश में आपके पास आया था लेकिन आप भी दुनिया से जा रहे हैं। पादरी ने कहा, हाँ मैं मरने वाला हूँ लेकिन अगर तुम्हें हक की तलाश है तो तुम हिजाज चले जाओ। सऊदी अरब का पुराना नाम हिजाज था। वहाँ पे बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे खजूरों के दरख्त होंगे और पहाड़ों के दामन में एक घाटी होगी जहाँ पे आखिरी जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होने वाला है, और तुम वहाँ पे चले जाना और उस नबी की 3 निशानियाँ बताएं। अगर तुम उसको सदका दोगे तो वो सदका ले लेगा मगर खाएगा नहीं, अगर तुम उसे हदिया दोगे तो वो खुद भी खाएगा और लोगों को भी तकसीम करेगा, और 3री निशानी ये बताई कि उसके दोनों कंधों के दरमियान खत्मे नबूवत का निशान होगा। तो सुलेमान फारसी वहाँ से हिजाज की तरफ चल दिए। रास्ते में एक कबीला था बनी कल्ब जो काफले की सूरत में मदीना जा रहा था। तो आपने कहा कि मैं अकेला हूँ, मुझे भी अपने साथ रख लें। तो उन्होंने आपको अकेले देख के अपना ग़ुलाम बना लिया और मदीने में ला के फ़रोख्त कर दिया। आप बहुत ज़्यादा रोने लगे, परेशान हो गए कि बहुत मुश्किल से मैं मदीने की तरफ आया था, अब ये शख्स पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो शख्स आपको मदीना के अंदर लेके आ गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उसका एक बाग था। एक दिन आप बाग पे खजूरें तोड़ रहे थे कि वहाँ पे एक मुसलमान का गुज़र हुआ और उसने कहा कि वो नबी नहीं था मोहम्मद जिसकी हम बातें करते थे, वो मदीना में आ चुका है। ये सुनते ही आपके हाथों में तोड़ी हुई खजूरें गिर गईं। तो आपने शाम का इंतज़ार किया और कुछ खजूरें लेके आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और कहा कि ये सदका है। आपने वो खजूरें ले लीं लेकिन खाई नहीं और सहाबा में तकसीम कर दी। कुछ दिनों के बाद आप दोबारा हाज़िर होते हैं और कहते हैं कि ये मैं कुछ खजूरें लाया हूँ, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है। तो आपने वो खजूरें लीं, खाईं और
बाकी की खजूरें सहाबा में तकसीम कर दी। तो दो निशानियां पूरी हो गईं जो कलीसा के पादरी ने आपको बताई थी। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे एक जनाजे में चल रहे थे और ये सोच रहे थे कि किसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से कपड़ा हटे और आप वो तीसरी निशानी भी देख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे रुक गए और कंधों से कपड़ा हटा के बोला कि सुलेमान आओ वो तीसरी निशानी भी देख लो। ये सुन के आप हैरान रह गए और भागे भागे कदमों में लपट गए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये है वो सुलेमान फ़ारसी जो कई गज़वाओं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से कंधा मिला के जंगों में लड़ते रहे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं उनका बाग और एक कुआँ जिसकी स्टोरी आगे चल के आपको बताते हैं। अभी नाज़रीन यहाँ पे पीछे वो जगह है जो सलमान फ़ारसी ने कुआं ख़रीद के लोगों में फ्री कर दिया था। यहाँ पे एक्चुअल में मैं आपको स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे था क्या। यहाँ पे एक यहूदी था जो कि जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनको पानी बेचता था और जो उनमें से मुसलमान थे उनको तो उसने पानी देना ही बंद कर दिया था। इतने मुश्किलात के यहाँ पे दिन चल रहे थे क्योंकि पानी जो है उसकी अशद ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी और यहाँ पे जो वेल हैं कुएँ बहुत कम तादाद में थे और बहुत बहुत दूर उनका फासला था। तो ये कुआँ जो है ये सलमान फ़ारसी का इसलिए बोलते हैं क्योंकि सलमान फ़ारसी ने उस यहूदी से एक डील की थी कि एक दिन मैं पानी बेचा करूँगा और एक दिन आप। तो ऐसे में वो यहूदी मान गया, उसने कुछ पैसे ले लिए। तो जिस दिन सलमान फ़ारसी का दिन हुआ करता था उस दिन वो बिल्कुल फ्री में पानी दिया करता था और जब यहूदी का दिन आया करता था तो वो पैसे लेता था। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि यहूदी से लोगों ने पानी ख़रीदना ही बंद कर दिया। जिस दिन उनको फ्री मिलता था उसी दिन वो सारे आ जाया करते थे और अगले दिन का स्टोर कर लेते थे। तो यहूदी का कारोबार ठप हो गया। बाद में यहूदी ने पूरा ही कुआँ आपको फ़रोख्त कर दिया और सुलेमान फ़ारसी ने यहाँ पे ये कुआँ जो है ये फ़ी सबीलिल्लाह कर दिया सब के लिए। तो ये है जी वो कुआँ और यहाँ पे ये है सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो का वो बाग। वही तो खजूरें नहीं है क्योंकि इतना अरसा गुज़र गया। तो ये उन्हीं खजूरों की नस्ल की आगे ये खजूरें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी चलते हैं आगे और आपको वो बाग जो है उसकी ज़्यारत करवाते हैं। जी ये हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से खजूरों का दरख्त का ही बाग है। इसकी तारीख मुख्तसर ये है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जब ईरान से तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मुलाकात के लिए तो यहाँ पर एक यहूद ने उन्हें कैद कर लिया था। तो उन्होंने दो शरायत रखी थी कि या तो आप अपनी आज़ादी के बदले हमें 400 तोला सोना दिया जाए या फिर जो है 300 घड़े खोद कर यहाँ पर दरख्त लगाए जाए। तो एक रवायत में आता है कि फिर उसके बाद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को ये पैगाम भेजा कि आप 300 घड़े खोदने की शर्त मान लें। और उसके बाद जो है हज़रत सलमान फ़ारसी ने यहाँ पर अपने हाथों से घड़े खोदे थे 300। और फिर ये भी रवायत है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इसमें खजूर गठलियाँ डाली थी। और ये भी एक रवायत में आता है कि दरख्त भी लगाए थे। तो ये वो 300 दरख्त का बाग है खजूरों का जिसकी अपने इस्लाम में तारीख है और बहुत अहमियत है। तो इस बाग को हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से ही याद किया जाता है और हज़रत सलमान फ़ारसी ही इस बाग का नाम है। तो कुआँ इसमें सलमान फ़ारसी का इसमें कुआँ नहीं है, ये तो बाद में ये ट्यूबवेल से लगा है ये यहाँ पर। और बाकी एक वो सामने एक दूसरा कुआँ है उसकी तारीख अलग है। इसकी ये हज़रत सलमान फ़ारसी का कोई कुआँ इसमें नहीं है, इसकी तारीख नहीं है कोई यहाँ पर। जी शुक्रिया। ये अजवा खजूर की यहाँ पे अकसाम है जो कम से कम यहाँ पे 20 रियाल में और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 60 रियाल बोल रहे हैं जी मैं। और जो सबसे अच्छी वाली खजूर है वो 60 रियाल में यहाँ पे मिल रही है। कौन सी है सबसे अच्छी? ये वाली भैया जी वाली। और 20 रियाल में कौन सी है? ये पड़ी है रबिया ये वाली और ये 20 रियाल में ले रहे हैं। तो ये है जी सलमान फ़ारसी का वो बाग जिसकी अभी हमने आपको ज़्यारत करवाई। अभी आपको ले चलते हैं दूसरी ज़्यारतों की तरफ और आपको कुआँ दिखाते हैं।
इस कुएं के बारे में एक बात मशहूर है कि यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि मेरे वसाल के बाद इस कुएं के पानी से मुझे गुसल देना।